सन 1727 में बहुत की वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन का निधन हुआ था। सिर पर सेब गिरने के बाद न्यूटन ने ग्रेविटी के नियम की खोज की थी। न्यूटन ने गति का पहला नियम दिया जिसके मुताबिक किसी भी चीज में तब तक बदलाव नहीं आता और वो तब तक नहीं हिलता जब तक कि उस पर कोई बाहरी दबाव ना पड़े। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। सन 1853 में शानदार कलाकार और प्रभावी चित्रकार विंसेंट वैन गॉग का जन्म हुआ था। एक दशक के दौरान विंसेंट ने 2100 से ज्यादा पेंटिंग्स बनाई। गायक डॉन मैकले ने विंसेंट की पेंटिंग से प्रेरित होकर अपना गाना स्टेरी स्टेरी नाइट लिखा था। आज एक दिन सन 1865 में देश की पहली महिला डॉक्टर आनंदी बाई का जन्म हुआ था। आनंदी बाई ने सन 1886 में कादम्बिनी गांगुली के साथ वेस्टर्न मेडिसिन में डिग्री हासिल की और पहली भारतीय और दक्षिणी एशियाई महिला बनी। माना जाता है कि अमेरिका की धरती पर कदम रखने वाली पहली हिंदू महिला भी आनंदी बाई थी। सन 1972 में आज ही के दिन बॉलीवुड में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से पुकारी जाने वाली मीना कुमारी का निधन हुआ था। मीना कुमारी का असली नाम महजबीन बानो था। परिणीता, पाकीजा, साहेब बीबी और गुलाम, दिल एक मंदिर, बंधन आदि फिल्मों में से मीना कुमारी दर्शकों के बीच लोकप्रिय रही। और सन 1990 में आज ही के दिन मरणोपरांत देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत की आजादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था और जीवन भर सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ते रहे।